ये देखिए, पहली बार हमारे टेरिस गार्डन में खिला है आड़ू का फूल। कितना झमाझम लगे हुए हैं। अभी इसको 2 साल हो गया है तभी फूल अब इस बार दिया है। अब देखिए आड़ू कितना लगता है, कितना फूल झड़ते हैं, कितने लगते हैं, लेकिन फूल तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। कितना मेहनत किया ना। सभी को नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत जो मेरे ग्रो बैग में लगे हैं आड़ू, उनसे करने जा रही हूँ। देखिए इस बार पहली बार इसमें फूल निकला है। कितना सुंदर सा लग रहा है फूल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हर टहनी में लगे हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच सब टहनियों में लगे हैं। कुछ कुछ टहनी में नहीं लगे हैं, अभी छोटा है। वैसे मैच्योर तो ज़्यादा नहीं हुआ है, 2 साल का ही है ये, तब भी फूल इस बार आ ही गया है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा फूल आके। जैसे जैसे होगा इसका अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी। आड़ू के फूल इतने सुंदर हैं ना, खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कह तो रहे थे बड़े वाले आड़ू है, जब लगेगा तभी पता चलेगा बड़ा है या छोटा है। इस बार पहला लगा, इस बार मुझे लग रहा थोड़ा कम ही लगेंगे, कुछ फूल झड़ ही जाते हैं। तो ये है टमाटर का पौध। यहाँ नीचे जगह खाली था, इसको मैंने खोद दिया है। खोद के ये सब ये पत्ते पुत्ते जो ये घास जमे इनको निकाल दिया, हटा दिया, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें खाद पहले ही। अब इसमें बोऊंगी मैं खाली जगह में, खाली ऐसे ही बर्बाद जा रहा। इस यहाँ पर बोऊंगी मैं ये मटर, ट्राई कर रही हूँ इस बार, अभी सीजन तो नहीं है, वैसे डाल देती हूँ खाली जगह में है। इसको मैंने भिगाया था एक रात, भिगाने के बाद थोड़े ये फूल भी गए। अब इनमें मैंने थोड़े थोड़े डाल दिए हैं, डालने के बाद इनको सब ढका दिया है। खाद तो इसमें काफ़ी सारा पड़े हैं, नहीं होगा तो ऊपर से फिर और छिड़का दूंगी खाद को। धनिया को तो बहुत टाइम लगता है उगने में, अभी भी खिल ही रहा है। अब जब तक तो खिलेगा खिलेगा रहने देंगे। और कोने में अच्छा भी लग रहा है, इसका कलर थोड़ा दूसरा है। इधर मैंने सब बो दिया, यहाँ पर बो दिया मेथी, यहाँ से सोई मेथी निकाल के यहाँ पर मैंने मेथी बो दिया। और छोटे छोटे इसके आने लगे हैं, अंकुरित होने लगे छोटे छोटे। यहाँ पर अब दो ब्रोकली और बची हैं, इनके पीले पीले फूल आने लगे। ये ख़राब नहीं है, ये फूल बन रहे इनका, इनको भी हटा दूंगी। यहाँ भी कुछ ना कुछ बो, जैसे मैंने एक किचन कंपोस्ट डाला था, ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर मूली लगा दिया, और नीचे से खाद बनती रहेगा, ऊपर मूली होती रहेगी। कोई चूहा भी खाते हैं, मुझे लग रहा है चूहा ही होगा। टमाटर कितने हो रहे हैं देखिए, अंगूर की तरह गुच्छे लग के हुए हैं, अंगूर की तरह। उसमें तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल देखने में बहुत गुच्छे जैसे लग रहा है। देखिए एक ही बंच में 6 टमाटर लगे हैं, कितने बड़े लगे हैं। अब इधर तो बहुत है, कोई हिसाब ही नहीं है टमाटर का। यहाँ नीचे जड़ से लेकर ऊपर 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 जाने तक कितने टमाटर हैं। यहाँ पर भी हटा के यहाँ पर बोल दिया मैंने लोबिया। छोटा सा पौधा हो रखा था सूरजमुखी का, अब यहाँ पर पौधे इसी में हुआ था, इसी में कोने में था, तो किनारे में। इसमें से भी हटा के इसमें मैंने प्याज डाल दिए, एक एक दो दो, एक एक दो दो। ये अभी चल ही रहा है चुकंदर, अब चल ही रहा है, कुछ दिन बाद इसको भी निकाल दूंगी। अब गुलाब के फूल जैसे ही गर्म होने लगे ना, फिर से खिलने लगे हैं, ये छोटे छोटे आ रहे हैं अभी। यहाँ भी डाल दिया प्याज डाल रखा, एक एक दो दो, एक एक दो दो, ज़्यादा कुछ नहीं डाल। अब मैं निकालूंगी यहाँ से टमाटर, टमाटर बहुत सारे हो रखे हैं। एक ही चुड़िया ने खा रखा है। कोई कोई डाली पर तो बहुत बड़े हो रखे हैं, इतने तो निकले हैं टमाटर, भारी हो रहे। तो अभी फिर और निकालने हैं, एक किनारे किनारे से जाना पड़ रहा है निकालने के लिए।
आप लोगों को कैसा लगा जो मेरे छत में पहली बार आड़ू का फूल लगा, आप लोगों के साथ शेयर किया, इसको दिखाया और इसका अपडेट आप लोगों के साथ देते रहूँगी। और साथ साथ में जो टमाटर का हार्वेस्ट किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर की सब स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सभी को नमस्ते। तब तक बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।